सबसे आगे आलोक शर्मा था। उसने शेखर से हाथ मिलाया और सबको सही सलामत देखकर बोला, मेरा ख्याल है पुलिस ठीक समय पर आ गई। बिल्कुल, वरना गिरफ्तार होने वाले बदमाश हमें शूट करने के लिए तैयार थे। एक वहां पड़ा है, उसे मैंने गोली मारी थी। शेखर ने ऑफिस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वो मेरी बेटी को शूट करने वाला था। पिस्तौल भी उसी बदमाश का था जो इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया। आलोक शेखर को लेकर उस ऑफिस बिल्डिंग की तरफ आया जहां वो लंबे कद वाला बॉक्स के पास औंधे मुंह गिरा हुआ था। पुलिस की गाड़ियों के साथ एक एम्बुलेंस भी आई थी। आलोक ने लंबे कद वाले को चेक किया और जिंदा पाकर तुरंत एम्बुलेंस को आगे बुला लिया। 10 मिनट के बाद लंबे कद वाला और गिरफ्तार होने वाले रमेश के तमाम गुंडे रवाना कर दिए गए। जब तक आलोक उनकी तरफ ध्यान देता, शेखर अपने दिमाग में एक स्टोरी बना चुका था। आलोक वहां से फ्री होकर उनके पास आया। अब बताओ मिस्टर शेखर, ये क्या चक्कर है? मैंने आपको कहा था ना, वो लाश मेरी बेटी की नहीं है। इससे मिलिए, यह है शनाया। शेखर ने शनाया को आगे किया। मेरी बेटी? आलोक शर्मा ने उसे गौर से देखा। ये कहाँ थी और इसने पुलिस से कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? ये डर से अपनी एक दोस्त के पास छुपी हुई थी। शेखर ने अमृता की तरफ इशारा किया। डर की वजह से ये पुलिस से कॉन्टेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। किसके डर की वजह से? इंस्पेक्टर आलोक ने पूछा। जवाब में शेखर ने रमेश भाई के बारे में बताया। उसने बताया कि शनाया वहां काम करती थी और उसे लगा कि रमेश भाई किसी गैर कानूनी काम में लिप्त है। उसने खोज की तो उसे ऐसे कंटेनर की रहस्यमय हैंडलिंग का पता चला जो बगैर किसी रिकॉर्ड के मंगवाए और यहाँ से रवाना किए जाते थे। शनाया को शक था कि इन कंटेनर्स में कोई गैर कानूनी चीज स्मगल की जा रही है। इस दौरान उसे शक हुआ कि ऑफिस में उसकी निगरानी की जा रही है। उसने डर कर रिजाइन कर दिया, मगर उन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसकी दोस्त रोमा उसके धोखे में मारी गई तो ये डर कर गायब हो गई। उसके पास कंपनी के कुछ खुफिया पेपर्स थे जिनसे पता चला कि बंदरगाह पर एक ऐसा ही कंटेनर मौजूद है जिसका संबंध ऑन पेपर साइट मैरिन इंटरनेशनल से नहीं है, पर वो उसी का है। हम सब उसी कंटेनर की तलाश में यहाँ आए थे कि रमेश भाई के आदमियों ने हमें घेरने की कोशिश की। आलोक ने गौर से उसका बयान सुना और फिर सवालात किए। शेखर ने तमाम सवालों के मुनासिब जवाब दिए। आलोक ने अमृता, शाह और राजा के बारे में पूछा। शेखर ने बताया कि ये है अमृता, ये शनाया की दोस्त है और वो उसी के घर में छुपी हुई थी। शाह भी इसका दोस्त था और राजा से जान पहचान थी। वो आईटी का एक्सपर्ट है और उसी ने हैकिंग करके यार्ड में मौजूद ये कंटेनर तलाश किया है। आलोक जो अब तक शक कर रहा था, कंटेनर की बात सुनते ही चौंक गया। उसने कहा, कंटेनर कहाँ है? हम उसे ही तलाश कर रहे थे कि ये लोग यहाँ आ गए, राजा ने जल्दी से कहा। लेकिन वो कंटेनर है यहीं। आलोक ने यार्ड के सुपरवाइजर और बंदरगाह अथॉरिटी को बुला लिया था। इस बार कंटेनर एक घंटे में मिल गया। वो कंटेनर बहुत सारे कंटेनर्स के नीचे दबा हुआ था और उसे इतनी जल्दी निकालना आसान नहीं था। क्रेन ऑपरेटर छुट्टी पर थे, इसलिए काम अगले दिन तक के लिए टाल दिया गया। आलोक ने सबको ये हुक्म दिया कि वो बगैर उसको बताए कहीं नहीं जाएंगे। शेखर ने उसे यकीन दिलाया कि वो और शनाया ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। उसने कहा, लेकिन हमें रमेश भाई से खतरा है, पुलिस आप सबको संरक्षण देगी। आलोक ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अमृता ने शेखर से कहा, वहां तुम सुरक्षित रहोगे, मैं बिल्डिंग सिक्योरिटी से कह दूंगी तो कोई और दूसरा आदमी वहां नहीं आ सकेगा, ये ठीक रहेगा। आलोक ने भी उसका समर्थन किया। राजा की हालत ज्यादा खराब थी, वो डरा हुआ था। वापसी में शेखर ने उसे समझाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर रमेश भाई मुजरिम निकला और कंटेनर से सचमुच ऐसा कुछ निकल आया तो इसका फायदा तुम्हें ही होगा, क्योंकि कंटेनर तुमने ही तलाश किया है। इस तरह तुमने कानून की मदद की है। राजा ने सर्द आह भरी। शायद ऐसा ही हो, दूसरी हालत में सिर्फ तुम फंसोगे। शेखर ने उसे खबरदार भी किया, क्योंकि हम तुम्हें नहीं जानते और गोदाम का भूल कर भी जिक्र मत करना, वरना वहां मौजूद लाश तुम्हारे गले पड़ जाएगी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी हालत बता रही थी कि वो भूल कर भी गोदाम का जिक्र नहीं करेगा। ये ख्याल तो उन्हें आया ही नहीं कि वो लंबे कद वाला अगर बच गया तो वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। आलोक ने एक पुलिस वाले को उनके साथ कर दिया था जो उन्हें अमृता के फ्लैट तक छोड़ने आई थी। शनाया का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। जब शेखर ने उससे कहा कि वो उसके साथ दिल्ली जाएगी तो वो फौरन तैयार हो गई। इस घटना ने उसका दिमाग सही कर दिया था। इधर आलोक ने रात में ही रमेश भाई के ऑफिस और बंगले की निगरानी शुरू करा दी थी। हॉस्पिटल में लंबे कद वाले का ऑपरेशन हुआ और उसकी जान बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने अभी 24 घंटे बात करने से मना किया था। उसके 3 साथियों ने अपनी जुबान बंद रखी थी और सिर्फ इतना कहा था कि वो लंबू भाई को जानते हैं,
वही उन्हें हायर करके लाया था, मगर आलोक को यकीन था कि वो तीनों रमेश के बारे में जानते हैं और जुबान खोलने से बच रहे हैं।